हाँ यार मैं भी बहुत बोर हो गया अपनी वाइफ से। अच्छा रहा हूँ मैं भी सामान पैक कर रही हूँ। मैं अभी सामान पैक कर रही हूँ। नहीं सामान चल जाऊंगी मैं। छोड़ कहाँ कहाँ माइके और कहाँ तुमने ना बहुत ज्यादा प्यार कर दिया। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अभी मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि इंदु पीछे किचन में कर रही है काम और उसको पता लगे उससे पहले मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। तो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में होने वाली है ताड़ फाड़, क्योंकि उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मुझे पता है कि जो जो बातें मैं बोलने वाला हूँ उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, आई नो वेरी वेल। तो चलो टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो इंजॉय करो और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो हाँ जी भैया, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? हम भी बहुत बढ़िया। हाँ ऑफिस से तो मैं आ जाता हूँ 6 o'clock शाम को, 6 से 6:30 बजे। और भाभी जी ठीक हैं? अच्छा अरे बाप रे बाप, 1 महीना हो गया मायके गई हुई है। अरे भैया तेरी मौज है, भाभी मायके में तू घर पे, हमारी क्या ऐसी किस्मत कहाँ। अरे नहीं 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 नहीं, शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि इंदु एक बार भी अपने घर गई हो, मतलब मेरे को छोड़ के। जब भी जाता हूँ साथ में जाता हूँ, साथ में वापिस आ जाती है। हाँ यार मैं भी बहुत बोर हो गया अपनी वाइफ से। हाँ इतने साल हो गए शादी को, अब बोर तो हो ही जाता है बंदा यार। पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो, बंदा कुछ चेंज भी करे ना तभी होता है। जैसे कि मतलब कुछ टाइम के लिए वो मायके चली जाए महीना दो महीने, तो उसके बाद मिले तो उसमें थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट होती है, इतने टाइम बाद मिले हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं यार काफी टाइम बाद मिले, तो एक्साइटमेंट रहती है। साथ में रहना 7-8 साल से साथ ही साथ कभी एक दूसरे को मतलब कभी एक मेरे को छोड़ के मायके नहीं जाना, मैं हफ्ता 10-8 दिन के लिए चली जाए तो मेरे को भी साथ ही आ जाए। चलो भैया। हाँ यार सर होता क्या ना सच में यार, वाइफ जो होती है ना वो आदमी का दिमाग गर्म कर देती है कई बार। तो मेरे को उसको उसके साथ मार्केट जाने में भी ना बहुत मतलब वो बोल सकते हैं शर्म सी आती है। एक सेकंड होल्ड कर, बाद में करता फोन यार मैं, बाद में करता फोन। क्या हो गया आपकी किस्मत को? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। बोर हो गया मेरे से? ये आटा क्यों लगा दिया? बोर हो गया मेरे से? ओ यार बोलना पड़ता है फ्रेंड्स के साथ, ऐसा नहीं कुछ भी। ऐसे वाइफ की बेइज्जती करते जैसे आप कर रहे हो। मैंने कहाँ बेइज्जती की? वो पता क्या मेरे को उसके साथ मार्केट जाने में भी शर्म आती है, आपको शर्म आती है? ओ तो बैठ इधर। मैं किसके लिए खाना बना रही हूँ यहाँ पे? अरे बैठो तो सही रहा। मैं किसके लिए खाना बना रही हूँ इधर? बैठ तो जाओ, क्या हो गया? बोलना पड़ता है फ्रेंड्स के साथ, कभी कई बार मजाक चलता है। मैंने तो कभी मजाक में भी आपकी इंसल्ट नहीं की। वो तो ऐसे फ्रेंड्स के बीच चलता है यार, थोड़ा बहुत मजाक चलता है, मैं को रियलिटी में थोड़ा। एक बार मजाक है कि मैं अपनी वाइफ से बोर हो गया हूँ? तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, वो महीना महीना मायके चली जाती है। आप ये चाहते मैं मायके चली जाऊँ? यार मायके भी जाना जरूरी होता है, एक ना रिफ्रेशमेंट हो जाती है। देखो जैसे मतलब रबड़ है, एक इलास्टिक है, इलास्टिक को ऐसे खींचा जाए, जितना दूर खींचेगा ना जब दूर से छोड़ेंगे तो एकदम से आप पास में आ जाते हैं। अब सर 24 घंटे पास में रहना तो उसमें कहाँ से एंजॉयमेंट होगा? ऐसे जाऊंगी ना, आऊंगी नहीं वापस वहां से। यार तो इसमें कुछ गलत बोला मैंने कि जैसे एक इलास्टिक है, इलास्टिक को जितना दूर तक खींचोगे ना और वहां से छोड़ोगे उतने पास आएंगे। अब जब सला रहेंगे साथ में रहेंगे, वो खींचेंगे ही नहीं, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे तो रिफ्रेशमेंट एंजॉयमेंट कहां से आएगा, एक्साइटमेंट कहां से आएगी? इसमें क्या गलत है? मैंने लॉजिक की बात की है। ऐसी लॉजिक की बातें करते हैं फ्रेंड्स के साथ ये बोल के? ओहो यार तुम तो बोर हो गया हूं मैं अपनी वाइफ से, बोर हो गया हूं। आपको शर्म भी नहीं आई ये सब बोल यार? मैंने फिर भाई मैंने नॉर्मल बात की, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला। तो
ही अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसी बेइज्जती कर रही हो, ऐसे तो कोई भी आके कुछ भी बोल अच्छा, तुम नॉर्मल हो। हस्बैंड के हाथ में होता है कि हाँ, हस्बैंड के हाथ में होता है कि हाँ वाइफ की कैसे रिस्पेक्ट करवानी है, वो उसके हाथ में होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम सही हो हाँ या ना? मैं सही हूँ। तो कोई सही बात ऐसे थप्पड़ मारे आटे से हाथ लगा के पूरा हाथ? जब आप ऐसी ऐसी बातें करोगे, आप इमेजिन करो मैं किसी के साथ ये बोलूं कि मैं अनूप के साथ बोर हो गई हूँ, आपका रिएक्शन नहीं होगा? अरे राम, सच में यार लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। मैं तो पागल हो गया तेरे साथ रह के यार, और पागल कर रखा तूने मेरे को। अपने हस्बैंड को कौन मारता है, ऐसे कोई खाना खिलाता है, ऐसे कोई खाना खिलाने के लिए पूछते हैं हाथ में बेलन दूसरे हाथ में आटा लगा हुआ है? प्यार से बात करती है, मतलब आप बोर हो गए मेरे से? अब बंदा ऐसे बोर हो गया मेरे तो ऐसे करोगे तो बोर ही होगा, और क्यों होगा यार? तुम तो सच में अपने दिमाग ही खराब करने लग पड़ी यार, चाह रहा हूँ मैं दिमाग खराब कर रही हूँ। अरे राम हे राम, क्या यार इतने जोर से कोई मारता है यार, आगे से गुस्सा मत दिलाओ मेरे को ऐसे। नहीं तुम फ्रेंड्स के साथ क्या बोल रहे हो, मैं उसके साथ बोर हो गया हूँ। इतने मोटे बेलन से कौन मारता है यार, पहले सिर पे मारी फिर धक्का दिया फिर अभी ऐसे मार रही हूँ। सच में यार मैं हो गया हूँ बोर, तुम ऐसा करो 15-20 दिन मैं इसके लिए रोटियां बना रही हूँ मेरे इधर, 15-20 दिन के लिए चले जाओ माइक के, महीने दो महीने काटा जाके। मैं अभी सामान पैक कर रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने रोटियां थोड़ी बनानी है, मैंने क्या किया, खुद ही बोल रहे चली जाए यहाँ से, बोर हो गया हूँ मैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अब दूरी बनाओ, अब नहीं आने वाली मैं, जब जाऊंगी ना देख मैं तेरे को फर्क भी पे क्या पड़ेगा, तुम और रख लोगे यहाँ पे लोगों को ये बोल के कि ये तो काम वाली है, मतलब तुमने जाना है पक्का, तो ऑब्वियसली तो मम्मी डैडी आए थे उनके साथ चल जाना था, ये घर भी घर, मुझे नहीं था ना पता कि तुम इतना गंदा सोचते हो मेरे बारे में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था यार। मैंने तेरे को क्या बोला, तुम जान क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, तुम तो बोर हो गए हो, तुम नॉर्मल रहो, नॉर्मल हो जाओ, तुम तो बोर हो गए हो फिर जान किस लिए बोल रहे हो, तो ऐसे तुम पिछड़ो। पानी पिलाओ, इससे अच्छा तो मर जाऊं तो ठीक है यार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, नहीं तुमको हो के मैंने कुछ गलत बोला, मैंने हमेशा एक मिनट, मैंने हमें कभी भी मतलब हमेशा आपके आपके आपको फ्रेंड्स वाला भी साइड दिया, गर्लफ्रेंड वाला भी दिया, वाइफ वाला, हर कोशिश की मैंने आपको कि हाँ मैं आपको खुश रख सकूं, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो कि बोर होगी तो मेरा क्या फायदा यहाँ पे रहने का, मैंने तो कभी हस्बैंड की तरह आपको ट्रीट किया ही नहीं। मैंने कुछ गलत बोला, हस्बैंड का अगर बोर भी हो जाता है, तुमने ना बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, बात बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, तुम प्यार करती तो ऐसे कोई बाड़ मारता है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है यार, तुम जाओ अंदर, चल जाओ अंदर। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें कोई और कोई अच्छे से तुम्हें रख सकता है, तो वो तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है मैंने क्या कर दिया ऐसा गलत, अपने फ्रेंड सारा कुछ सुना मैंने, जो अपने मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने नहीं जा सकता, मैंने कब मना किया, उसकी वाइफ दो महीने से मायके गई हुई है, तो उसकी वाइफ गई है तो उसका मेरे ऊपर क्यों गुस्सा उतार रहे हो, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, ऐसे मेरे बाल खींच रही है मार भी रही हो, तो बंदा होगा ही बोलेगा ही, मैं क्या करूं, मैं देखो मैं नॉर्मल सी बात कर, तुम ऐसे फालतू में बात मत खींचो, चलो कोई अंदर चलो आराम रेस्ट करो, चलो आ जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे बताओ तुम सच में बोर हो गए हो, नहीं यार सच में शर्म आती मेरे साथ चलने के लिए, तब ऐसे मारेगी मार्केट में तो शर्म नहीं आएगी, मार्केट में कम मारा इससे पहले, कम मारा बताओ, मार भी सकती है जैसे तुम मेरे साथ बात कर रही हो, प्यार कभी नहीं किया, प्यार कभी नहीं दिखा, नहीं प्यार भी दिखता है तो कब दिखा यार, तुम सच में यार तुम मेरे को, जो एक अच्छा रिलेशन होता है ना उसमें कुछ हो भी जाए तो उसके ऊपर भी पर्दा डालता है, तो ये बेलन लेके क्यों आई थी बाहर, मैं तो अंदर खाना बना रही थी आपके ठूसने के लिए कि आपने ठूसना थोड़ी देर बाद, अच्छा मैंने खाना ठूसना है, अच्छा मैंने खाना ठूसना है और तुमने खाना खाना है, ठूसना क्या होता है, जैसे
ऐसी आप बातें कर रहे हो ना, आपको तो कोई सूखी रोटी भी ना दे। मार दो मेरे को, यहाँ मारो, लो यहाँ मारो, लो 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 मारो मारो, तो तुम मार भी दोगी, दूंगा नहीं हाथ में, तेरा कोई पता नहीं। चलो यार तुम तो सच में यार मूड ही खराब कर देती हो। कहाँ भला चल, फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, वो पिकनिक में ना ले जा रहा मेरे को इनवाइट करने, मैंने वही बोला यार पहले तो उसी से बात करवाओ, लगाओ उसको फोन। नहीं है उसका नंबर मेरे पास, डिलीट कर दिए। चलो अभी चलो अंदर 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 चलो, खाना बन गया तो खाना दो मेरे को। मैंने नहीं खाना, खा लो तुम अपने आप ले। तो मेरे को प्लेट में डाल के, मैंने देना डाल के, आज तक सारा कुछ आपके अकॉर्डिंग किया, बाद में भी ये सुनने को मिला कि बोर हो गया हूँ इससे। बोर नहीं मतलब मेरे इन द सेंस की बोर नहीं मतलब इन द सेंस के, मेरे को सुन नहीं रहा था, आपने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। तो बेवकूफ ही तुम लग रही मेरे को। मैं बेवकूफ हूँ? चलो ठीक है, अच्छा चलो अब मेरे को खाना लगा दो यार। नीचे सुन रहे होगे, लड़ सोच रहे होगे लड़ रहे हैं, कोई पता नहीं इनका। तुम मेरी बेइज्जती मत कराओ, इधर चलो उधर चलो, यहाँ मेरी बेइज्जती मत करो सोसाइटी के अंदर। नीचे देख रहे होंगे लोग भी, लड़ा सुबह ना कर रहे हैं। सुबह मेरे को बस स्टैंड छोड़ के आना। अभी छोड़ दूँ? नहीं अभी छोड़ के आता हूँ मैं, अभी छोड़ के आता। मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम इतने बोर हो जाओगे। क्या हो गया तेरे को, टेंशन क्यों ले, तुम बात बात पे रोना शुरू कर देती हो, क्या हो गया? तुम शर्म भी ले आए उसके साथ ये बोलते कि मैं अपनी वाइफ से बोर हो गया। यार मैंने नहीं की थी कॉल, किसी को भी कॉल नहीं की थी मैंने, मैं प्रैंक कर रहा था। भाग ना जाओ तुम और तुम्हारे प्रैंक। तो गाइस रिएक्शन आपने देख लिया, बोलती भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा प्रैंक। अब इतना गुस्सा कर लिया है तो गाइस एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरे को 2 घंटे मनाने में लगेंगे, पता नहीं मानेगी नहीं मानेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक लाइक तो गाइस बनता है इस वीडियो के लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब बेलन पकड़ाता हूँ और फिर खाता हूँ, तब तक बाय बाय।